एक और आईपीओ ओपन हो रहा है सैफायर, आईपीओ ओपन होगा 9 नवंबर को, क्लोज हो जाएगा 11 नवंबर को। प्राइस बैंड जो रखा गया है 1120 से 1180 रुपए रखा गया है। एक लॉट में 12 शेयर्स रखे गए हैं, मैक्सिमम लॉट्स है 14 लॉट्स के साथ ही करीब 168 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा आईपीओ ही ऑफर फॉर सेल के तहत रहने वाला है, कंपनी फ्रेश इक्विटीज कुछ भी जारी नहीं कर रही है। आईपीओ का जो साइज रहेगा करीब 2073 करोड़ के आसपास आईपीओ का साइज रहेगा। इसके अलावा कंपनी के 3 साल के प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी 3 साल ही लॉस में है, कंपनी लॉस मेकिंग है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल 19 की तो 19 में कंपनी का थोड़ा लॉस कम था, जो फाइनेंशियल ईयर 20 में इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, और फाइनेंशियल ईयर 21 में वापस डिक्रीज हुआ। करीब 100 करोड़ के आसपास कंपनी नेट लॉस में थी फाइनेंशियल 21 की अगर हम बात करते हैं तो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी क्या काम करती है, कंपनी यम ब्रांड की बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है। भारत और मालदीव में करीब KFC के जो स्टोर्स मैनेज करती है, करीब हम बता दें आपको 204 स्टोर्स मैनेज करती है। इसके अलावा पिज्जा हट के भारत, श्रीलंका एंड मालदीव्स में मिलाकर करीब 231 स्टोर्स कंपनी मैनेज करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेम इसी से रिलेटेड एक और आईपीओ आया था कुछ महीनों पहले, देवयानी इंटरनेशनल, उसने भी निवेशकों को बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन निकाल कर दिया। जिनके भी वो आईपीओ निकला बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन उन्होंने लिया। वहीं कंपनी वो भी लॉस मेकिंग थी, ये भी कंपनी लॉस मेकिंग है और दोनों का बिजनेस सेम है, वो भी यम ब्रांड की बड़ी फ्रेंचाइजी ऑपरेटर थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस आईपीओ में अप्लाई करें, आप इसमें लिस्टिंग गेन लेकर आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोजिशन बनाने के लिए हम आपको इस आईपीओ में सजेशन नहीं दे रहे हैं, नहीं सजेस्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें जो कि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।